राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत फतेहाबाद पहुंची। इस दौरान शैलजा ने राहुल गांधी की सजा को लेकर बयान दिया, कहा है कि कांग्रेस इस लड़ाई को अदालत में तो लड़ेगी ही, साथ ही बीजेपी ने आज जो देश में हालात बना दिए हैं उसके खिलाफ सड़कों पर भी लड़ाई लड़ी जाएगी। शैलजा ने प्रदेश में बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल को लेकर सरकार से मांग की है कि सरकार बिना देरी किए बिना गिरदावरी के किसानों को 25,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे। गांधी जी किसी भी बात से, क्योंकि ये सरकार अपनाती है, चाहे संसद में हो चाहे बाहर हो, आपने अभी देखा कि एक महिला की एक बहन की जो व्यथा राहुल जी ने सुनाई, तो उसके खिलाफ पुलिस राहुल गांधी जी के घर 1.5 महीना बाद 150 की फोर्स लेकर उनके घर पहुंच गई। तो ये एक प्रयास होता है इनका हर तरह से राहुल जी की आवाज को दबाने का, चाहे संसद में दबाया उन्होंने, हर कुछ जो उन्होंने कहा कोई आम पार्लियामेंट्री बात नहीं कही, लेकिन उनकी बातों को और खारगे जी की बातों को रिकॉर्ड से निकाला गया। राहुल गांधी जी सच बोलते हैं, सच बोलते रहेंगे।